नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं बताऊंगा वाल्व के बारे में जो सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों साथ ही मैं सिंबल भी बताऊंगा कि जो है किस वाल्व को किस सिंबल से इंगित करते हैं। और दोस्तों ये जो है जो नए प्लम्बर है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं ITI से या फिर डिप्लोमा से, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, तो विदेश जाने से पहले सबसे पहले उनको जो है प्लम्बिंग का इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम जो है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चेक वाल्व का सिंबल क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा तभी बताएंगे। तो जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। कई बार मैं नोटिस भी किया हूँ, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ और जो भी मैं उस वीडियो में बताया हूँ, पूरा बताने के बाद भी दोस्तों मेरे पास कमेंट आता है कि सर इस चीज के बारे में बताइए। तो ये कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले जो है कंटेंट को जो है खोजा जाता है। कंटेंट जो है मिलने के बाद दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है कि दर्शक को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कत होता है, काफी मेहनत करने के बाद जो है एक वीडियो तैयार होता है 10 मिनट का 6 मिनट का। और मैं जो भी जानकारी देता हूँ टेक्निकल सोनू टेक चैनल पे, आज तक जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उसमें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें आपको गलत जानकारी दिया गया हो। मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ, जितना मुझे पता होता है बस मैं वही बताता हूँ। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरा देख रहे हो या फिर किसी का भी देख रहे हो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना चाहिए और पूरी जानकारी हासिल करना चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं ये चार्ट पे सबका सिंबल बना दिया हूँ पहले से ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैं एक एक चीज को समझाते जाऊंगा, जितना भी मैं यहाँ पे बार बार बताया हूँ सबका सिंबल दिया हूँ कि कौन सा वाल्व कहाँ पे लगता है, और साथ में फोटो भी शो होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे ये सिंबल दिया हूं मैं, और ये जो है दोस्तों गेट वाल्व का सिंबल है। यहाँ इस तरह से ऊपर टी लिखा हुआ है, तो ये गेट वाल्व का सिंबल है। और ये सिंबल जो है दोस्तों आपको प्लम्बिंग के बेसिक डायग्राम में मिलेगा, ठीक है। आर्किटेक्ट अगर डिजाइन करके देता है बेसिक प्लम्बिंग का, बेसमेंट वगैरह का, बिल्डिंग का, तो यहाँ पे पहले नंबर पे है दोस्तों गेट वाल्व। गेट वाल्व जो है दोस्तों 1 इंच से लेकर 4 इंच तक के पाइप में लगाया जाता है सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और ये जो है धीरे धीरे घुमाने पे जो है ये खुलता है, यानी कम ज्यादा इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को कम करना हो या ज्यादा करना हो। दूसरे नंबर पे है दोस्तों बाल वाल्व, ठीक है। बाल वाल्व में भी जो है दोस्तों हम प्रेशर को कम ज्यादा रख सकते हैं, और ये बाल वाल्व जो है दोस्तों कम प्रेशर के लिए यूज होता है। बाल वाल्व जो है 1 इंच के पाइप से लेके 3 इंच के पाइप में लगाया जाता है लो प्रेशर को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है एंगल वाल्व, ठीक है। एंगल वाल्व का सिंबल ये है, देख लीजिए, एंगल वाल्व वही है दोस्तों जिसको गीजर के पॉइंट में लगाते हैं और वॉश मशीन के पॉइंट में लगाते हैं। चौथे नंबर पे आ रहा है दोस्तों चेक वाल्व। चेक वाल्व का सिंबल इस तरह से होता है, यहाँ पे देखिए एन बना हुआ है, उसके बाद इस तरह से डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चेक वाल्व होता है। चेक वाल्व में दोस्तों एक ही तरफ से पानी खींचा जाता है, ये जो है NRB की तरह काम करता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। और NRB में भी दोस्तों किसी किसी में स्प्रिंग लगा होता है और किसी किसी में स्प्रिंग नहीं लगा होता है। और इसको जो है दोस्तों ज्यादातर हम हैंडपंप में जब मोटर इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम इसको लगाया जाता है। पांचवे नंबर पे आ रहा है दोस्तों बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल इस तरह से है, यहाँ पे देखिए बीच में बॉल दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर इस तरह से निकला हुआ है। इसका नाम जो है बटरफ्लाई दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि जो बटरफ्लाई वाल्व होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है बटरफ्लाई रखा गया, तितली की तरह ये दिखता है। और इसको जो है 3 इंच से 4 इंच के पाइप में लगाया जाता है। इसको पानी को ऑन ऑफ करने के लिए भी लगाया जाता है और जो है हवा को भी ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। छठवें नंबर पे है दोस्तों NRB वाल्व, ठीक है। NRB वाल्व का सिंबल ये है, अगर आपको डायग्राम में दिखता है तो एक तरफ इधर से पूरा फिल किया हुआ रहेगा और एक तरफ जो है ब्लैंक रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये NRB वाल्व का सिंबल है और डायग्राम में दोस्तों लिखा भी हुआ होता है, ठीक है। तो NRB वाल्व का मतलब होता है दोस्तों N से हो गया नॉन, R से हो गया रिटर्न, V से हो गया वाल्व, ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व इसका पूरा नाम है। यानी कि इसमें जो है एक ही तरफ से पानी आएगा, इसको जो है पानी को हम चाहे इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसको पलट के हम आउटपुट के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सातवें नंबर पे आ रहा है बैलेंसिंग वाल्व। बैलेंसिंग वाल्व का सिंबल इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, साथ में इमेज भी देख सकते हैं।
तो बैलेंसिंग वाल्व दोस्तों नाम से भी पता चलता है ये पानी को बैलेंस को जो है बराबर करने के लिए लगाया जाता है। और ये जो है दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगाया जाता है पानी को बैलेंसिंग करने के लिए और हवा को बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, आठवें नंबर पे आ रहा है दोस्तों प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से एरो रहेगा और ऊपर जो है ये पूरा फुलफिल किया हुआ रहेगा। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल है। और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह लगा हुआ होता है, ज्यादातर ये कंप्रेसर में लगाया जाता है। ठीक है, एक तरह से दोस्तों ये सेफ्टी वाल्व का काम करता है। अगर मान लीजिए हवा का कोई टैंक है, अगर उसमें हवा ज्यादा भर जाता है तो ऑटोमेटिक जो ये वाल्व है दोस्तों ये खुल जाता है और जो एक्स्ट्रा हवा होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेफ्टी का काम करता है। नौवें नंबर पे आ रहा है दोस्तों मोटर ऑपरेट वाल्व। ठीक है, मोटर ऑपरेट वाल्व का सिंबल इस तरह से होता है। ऊपर देखिए यहाँ पे गोला बना के इसमें एम लिखा हुआ है। आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मोटर वाल्व लगने वाला है। ठीक है, तो ये मोटर वाल्व दोस्तों बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लांटों में इसको लगाया जाता है। और ये जो है दोस्तों मोटर से ऑपरेट होता है। हालांकि इसका जो मोटर है ऑपरेट करने वाला ये वाल्व में ही फिट होता है। ठीक है, और ये सप्लाई पे काम करता है, थ्री फेज की सप्लाई पे। ठीक है, इसको जो है 8 इंच से लेके 12 इंच के पाइप में जो है इसको लगाया जाता है हाई प्रेशर के लिए। जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो उसमें इसको लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाथ से खोलना पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि हैंडल दिया हुआ है। ठीक है, अगर सप्लाई आप है तो हैंडल से हम इसको घुमा के ओपन कर सकते हैं। बिल्डिंग के पंप हाउस में भी इसको लगाया जाता है और बड़े बड़े प्लांटों में लगाया जाता है, यानी कि जिसमें ज्यादा प्रेशर होता है। दसवें नंबर पे आ रहा है दोस्तों प्लग वाल्व। प्लग वाल्व का सिंबल इस तरह से होता है। और प्लग वाल्व नाम इसका इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि ये एक ही झटके में निकल जाता है, पूरा प्रेशर खुल जाता है। इसमें जो है प्रेशर को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जब भी ये ओपन होगा डायरेक्ट ओपन होगा। इसको जो है 10 इंच के पाइप से लेके 16 इंच के पाइप में इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और इसको जो है दोस्तों एक ही झटके में खोला जाता है और एक ही झटके में ये बंद होता है। और इसका जो बहाव है दोस्तों वो क्रॉस एंगल में होता है। अगर मान लीजिए पानी यहाँ से जा रहा है तो जो उसका आउटपुट होगा ये यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। ठीक है, एक सीधी दिशा में नहीं होगा कि यहाँ से पानी जा रहा है तो यहाँ से निकलेगा। ये प्लग वाल्व का काम होता है। और इसको जो है उसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे डायरेक्ट प्रेशर की जरूरत हो। उसके बाद 11वें नंबर पे है दोस्तों ग्लोब वाल्व। ठीक है, तो ये ग्लोब वाल्व जो है दोस्तों ये भी हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। ये जो है 8 इंच के पाइप से लेके इसको 12 इंच के पाइप में इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो ग्लोब वाल्व है दोस्तों बटरफ्लाई वाल्व और गेट वाल्व से अधिक जो है क्षमता वाला होता है, लेकिन गेट वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व की तुलना में ये अधिक क्षमता वाला होता है। तो दोस्तों ये था गेट वाल्व से जुड़ी कुछ जानकारी। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा प्लंबिंग का और इलेक्ट्रिकल का थ्योरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लंबिंग का। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।